भी अप्लाई कीजिएगा। समटाइम इट्स क्वाइट मेसी। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति। सो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ का, जिसका नाम है एवर यूथ एडवांस गोल्डन पिल ऑफ मास। सो मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, उस वजह से ना मैं कुछ ग्लो ऐड करना चाहती थी मेरे चेहरे पे, और पार्लर जाने इतना भी टाइम नहीं और इतने पैसे भी होने चाहिए ना हमेशा, उस वजह से मैं इस मास्क को ट्राई करती हूँ। सो इसके अंदर आपको ट्यूब भी मिल जाएगी, बट मेरे पास पाउच है। सो ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, बट मैं आज यूज़ कर रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसका रिव्यू देखने के लिए देन लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो गाइस, ये रहा हमारा पिल ऑफ मास्क। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो। तो मेरे पास इसका पाउच है, आपको इसकी ट्यूब भी मिल जाएंगी। उसका प्राइस 35-40 रुपीज़ है, और बड़ी वाली का जो छोटी ट्यूब का प्राइस 35-40 रुपीज़ है, बड़ी ट्यूब का प्राइस 60-70 रुपीज़ है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उससे बड़ी अगर कोई ट्यूब आती होगी तो आई डोंट नो, पर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये बहुत पुराना पिल ऑफ मास्क है। इसको मैं 1-2 साल पहले से यूज़ कर रही हूँ। सो इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। सो इसके ऊपर लिखा हुआ है विथ 24 कैरेट गोल्ड। आर यू किडिंग? सो इसके ऊपर लिखा हुआ है विथ 24 कैरेट गोल्ड, एवर यूथ नेचुरल एडवांस गोल्डन पिल ऑफ मास, नेचुरली ग्लोइंग स्किन। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये सब। और सो गाइज, इसके अंदर आपको 8 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है, प्राइस 50 रुपीज़ है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। कैसे यूज़ करना है वो लिखा हुआ है, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको एटलीस्ट 2 टाइम वीक्स में यूज़ कर सकते हो। और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं लिखा है, बट आप ना पैच टेस्ट करके ही इसको यूज़ करना अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। मुझे तो ये सूट करता है पहले से, उस वजह से मैं पैच टेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो जल्दी से अब हम इसका डेमो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो क्लेम करता है वो सच है या झूठ। तो चलिए हम जल्दी से डेमो देख लेते हैं इसका। सो गाइज, ये रहा हमारा पिल ऑफ मास्क। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो गाइज, अगर आप कोई भी पिल ऑफ मास्क यूज़ करो तो उसको आपके आइज़ के अराउंड एंड माउथ के अराउंड अवॉइड करना चाहिए। नॉट ओनली दिस, आप कोई भी पिल ऑफ मास्क यूज़ करोगे तो इन एरिया पे बिल्कुल मत अप्लाई करना, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, साथ ही साथ रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आइज़ के अराउंड एंड माउथ के अराउंड आप अपने जो भी पिल ऑफ मास्क यूज़ करो उसको अवॉइड कीजिएगा, इन दोनों चीज़ों के अराउंड। सो अभी मैंने जो मेरा फेस है उसको वॉश किया है, और जस्ट ये एक लिप बाम अप्लाई किया है, मेरे फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई किया हुआ नहीं है। तो आप जब भी कोई भी पिल ऑफ मास्क अप्लाई करो, या फिर कुछ भी मास्क या फिर कोई भी पैक अप्लाई करो, तो आप अपनी स्किन को वॉश कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश या फिर कोई भी सोप, बट जो फेस के लिए बना। तो मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया, अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में। तो मैं इसको जल्दी से कट करके फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। पिल ऑफ मास्क को अप्लाई करने का सबसे इजी वे, 2 फिंगर्स के ऊपर इस मास्क को ले लो और ऐसे ऐसे स्प्रेड करके अप्लाई कर लो। लेट मी शो यू हाउ टू यूज दिस। दोनों फिंगर का यूज करके आपको पिल ऑफ मास्क अप्लाई करना है। और गाइस, आप कभी भी पिल ऑफ मास्क की थिन लेयर मत अप्लाई कीजिएगा, थिक लेयर अप्लाई कीजिएगा, मतलब मोटी सी लेयर अप्लाई करना, जिससे जो आपका मास्क है उसको निकालने में आसानी हो सके। अगर आप थिन लेयर अप्लाई करोगे तो मास्क निकालने में आसानी नहीं होगी और आपको पेन हो सकता है, उस वजह से थिक लेयर अप्लाई कीजिएगा हमेशा। सो गाइज, ये मेरा डॉगी था, और फिर फोरहेड के ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा। सो
सो गाइज मैंने मेरे पूरे फेस के ऊपर पिल ऑफ मास्क को अप्लाई कर लिया। अब मैं वेट करूंगी 15 मिनट तक का, जब तक कि ये मास्क पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता। तो ड्राई होने के बाद मैं आपसे वापस मिलती हूँ, तब तक के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी जो मेरा मास्क है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अब मैं मेरे मास्क को पिल ऑफ़ कर रही हूँ। तो मैं पिल ऑफ़ करने का एक अच्छा सा वे आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो पिल ऑफ़ करने का एकदम राइट वे, आपका जो मास्क है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पिल ऑफ़ कीजिएगा, नीचे से ऊपर साइड, लाइक दिस, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और गाइज आप जब भी मास्क अप्लाई करो तो आप कोशिश कीजिएगा, जब आपका मास्क ड्राई होने लगे तो आप बिल्कुल भी हंसिएगा मत, बोलिएगा मत, एकदम रिलैक्स बैठना। क्योंकि अगर आप हंसोगे बोलोगे तो आपके फाइन लाइन्स गिरने लगेगी, रिंकल्स गिरने लगेंगे और आप बुढ़े हो जैसे दिखने लगोगे। उस वजह से अगर आप हंसोगे नहीं तो आपकी जो स्किन है वो एकदम टाइट रहेगी और रिंकल्स नहीं गिरेंगे। तो कुछ नीचे से ऊपर मैंने मास्क को पिल ऑफ किया है नोज तक। अब मैं ऊपर से नीचे मास्क को पिल ऑफ कर रही हूँ फोरहेड से, लाइक दिस। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी वैसे जो मेरा मास्क है वो पिल ऑफ हो गया है और कहीं पे भी कुछ बचा नहीं है। और जहाँ पर भी हल्का फुल्का बच जाएगा आपका, अगर रह जाएगा, तो आप ना नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश कर ले। आप देख सकते हो मेरा जो पिल ऑफ मास्क है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो गया है और कुछ भी नहीं बचा। अब मैं मेरे फेस को वॉश करके वापस मिलूंगी आपसे। सो गाइज मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। आपको पिल ऑफ मास्क नीचे से ऊपर साइड लेके जाके पिल करना होता है और ऊपर से नीचे साइड, इससे जो आपको पिल ऑफ मास्क है वो बहुत इजीली निकल जाता है। और कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपके स्किन के ऊपर रह जाएगा पिल ऑफ, तो आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा, फेस वॉश या फिर कोई भी सोप का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और आप यहाँ पे ग्लो देख सकते हो जो कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ये जो आप पिल ऑफ मास्क है ना, उसको कैसे यूज़ करना है आपको पता चल ही गया होगा। गाइज अगर आप बिगनर हो या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, आपके पास टाइम नहीं है पार्लर के लिए, देन आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हो। छोटा मोटा घर में फंक्शन हो और टाइम ना होना, तो फिर आप इस मास्क को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एकदम इंस्टेंट ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता, जस्ट 50 to 20 minutes लग जाते हैं। पूरी तरीके से ड्राई होने के बाद ही आप इस मास्क को पिल ऑफ कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे ये मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए होंगे तो आप इसको एटलीस्ट वीक में 2 times यूज़ कर सकते हो, या फिर घर में कोई फंक्शन है और आपको जल्दी से ग्लो चाहिए, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पहले से यूज़ करते आ रही हूँ। आप इस मास्क को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस ये मास्क जो भी क्लेम करता है वो एकदम राइट क्लेम करता है। ये आपको एकदम स्किन लाइक ग्लो प्रोवाइड करता है, एकदम से ऐसे पार्लर वाला ग्लो तो नहीं, बट आपकी स्किन ना हल्की हल्की शाइनी हो जाती है। और आप देख सकते हो मेरी स्किन कैसी दिख रही है। ये आपको एकदम नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। पर्सनली मेरे तरफ से इस मास्क को थम्स अप है, मैं इसको बहुत बार यूज़ करती हूँ और आगे भी यूज़ करूँगी। आपको कैसा लगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।